सरोकार। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से भ्रष्टाचारियों को छिपने में मिलती है मदद। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापे पर कांग्रेस का बयान। देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जा रही है कृष्ण जन्माष्टमी, मथुरा में भी उमड़ी भक्तों की भीड़। देश में फिर बढ़ी कोरोना की स्पीड, 24 घंटे में 15,754 नए मामले, 1,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दुनिया भर में हो रही मनीष सिसोदिया की शिक्षा नीति की तारीफ, छापेमारी में लगी सीबीआई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सीएम केजरीवाल। वनडे में 10 विकेट से मैच जीतने वाले 8वें कप्तान बने केएल राहुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। बलिदान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलिया पहुंचे, जहां उन्होंने अमर शहीद सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही इस अवसर पर नए भारत के दिशा निर्माण की बात भी कही और बलिया जिले को और बेहतर बनाने के तरीकों पर भी बात कही। जी का योगदान अविस्मरणीय है, एक नेतृत्व की क्षमता और उसकी कसौटी क्या हो सकती है। व्यक्ति के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अगर एक आम नागरिक के मौलिक अधिकारों के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके स्वावलंबन के लिए, देश और समाज के लिए मुझे कुछ योगदान देना पड़ेगा तो जयप्रकाश। खबर गोंडा से, जहां प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मलिन बस्ती का निरीक्षण कर घर घर नल योजना का भौतिक सत्यापन किया। साथ ही सर्किट हाउस पहुंचकर फरियादियों की फरियाद भी सुनी और दिए गए समय पर कार्य पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। फिर सरकार की योजनाओं में तेजी लाने को भी कहा। मैं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के उस निर्णय, उस आदेश के क्रम में आज गोंडा में उपस्थित हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार जनता के द्वार जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार का हर मंत्री किसी न किसी जनपद में, गांव में, गली में विकास कार्यों को देखता हुआ आज पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में हमारे माननीय मंत्रीगण हैं। उसी क्रम में हम अपने राज्य मंत्री कृषि श्री बलदेव सिंह औलख जी के साथ हम दोनों मंत्री गोंडा में हैं, कल बलरामपुर में थे। मैंने कल जितना भी हमारा कार्यक्रम था, घूम घूम करके मैंने तमाम चीज़ें देखी और आज भी देखी। कानपुर के जिला कारागार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसकी तैयारियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। कारागार में बने मंदिर में भव्य रूप से सजाया गया। आपको बता दें कि 2 वर्षों में कोविड के चलते कारागार के बंदियों को दूर से ही कृष्ण जन्माष्टमी और उनके दर्शन हो रहे थे। इस बार कोरोना गाइडलाइंस में छूट मिलने के बाद बंदियों को भी करीब से श्री कृष्ण के दर्शन मिलेंगे, जिसको लेकर कैदियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। धार्मिक मान्यता और परंपरा के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में होने की बात हम लोग सुनते आए हैं, कही जा रही है, तो इसलिए जन्माष्टमी का महत्व तो कारागार के लिए विशेष रहा है हमेशा से। और हम लोग परंपरागत रूप से और धूमधाम के साथ जन्माष्टमी के पर्व मनाते हैं। इस बार भी धूमधाम से मनाए जाने के निर्देश हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा अभी हाल ही में एक मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो हुई थी उसमें दिए गए हैं कि जन्माष्टमी का पर्व पूरे धूमधाम के साथ परंपरागत तरीके से मनाया जाए, उसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। औरैया में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं आसपास के गाँव में लोगों में भी दहशत फैल गई है। जानकारी के मुताबिक यमुना के कोठी बैराज और हाथनी कुंड का पानी छोड़ा गया है, जिससे तबाही आने वाली आशंका बढ़ गई है। साथ ही खेती बर्बाद होने के कगार पर है। वहीं इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट पर हैं और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए हिदायत भी दी जा चुकी है।
था, मतलब जो यमुना का जलस्तर है उसकी जो रिपोर्ट आ रही है वार्ड और सेंट्रल वाटर लेवल कमीशन के अनुसार उसमें बढ़ रहा है और उसमें अभी भी मतलब रात तक उसको वार्निंग लेवल 112 मीटर तक पहुंचने की संभावना है। अभी तो यहाँ कुछ नहीं आया, नहीं अभी कुछ नहीं आया ना। अच्छा, कितने बीघा जमीन यहाँ पे जलमग्न हो गई है अभी तक? अभी हो गई कानो, ये सब क्षेत्र पर जलमग्न है यहाँ। कितने बीघा होगी लगभग? ज़्यादा ही हुए बीघा नहीं, एकड़ हुए है 250-300 एकड़। हाँ, सब पूरा कचरा जलमग्न है। इसमें सरकार के द्वारा बताया गया कि वे लोगों को आगाह करते हैं शाम को बाहर ना जाएं, खेतों पे ना जाएं, जानवर सही से बांध के रखे जो नीचे में है ऊपर में बांध है जी। और कितने बीघा जमीन आपके क्षेत्र की जलमग्न हुई है अभी कम से कम? 250-300 बीघा यहाँ मंदिर से लेके पूरी वहाँ गुहानी कला तक 250-300। हाँ, हमें लला पता नहीं। आपको कोई सचेत किया अधिकारियों ने? आए थे। अच्छा, और गांव में कितने बीघा खेती नुकसान हो चुकी है लगभग? अभी हो गई है 250-300 बीघा। हरदोई में अग्निवीर और फॉरेस्ट गार्ड के पद पर भर्ती कराने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक फिजिकल की तैयारी कर रहे उम्मीदवार लिखित परीक्षा पास करने के लिए शहर के एक कोचिंग संस्थान रॉयल इंस्टीट्यूट में जाते थे, जहां कोचिंग संचालक अग्निवीर, फॉरेस्ट गार्ड समेत अन्य पदों पर भर्ती कराने के नाम पर लाखों की ठगी कर फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित छात्रों से एसपी से संज्ञान की गुहार लगाई है। सर, हम लोग रॉयल इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, वहाँ कंपटीशन है जो करवाते थे, दिल्ली पुलिस वगैरह का है, वन विभाग का है, GDS अग्निवीर का है, ये लोग वहाँ की तैयारी करवाते थे। तो हम लोगों ने वहाँ जब कोचिंग करते थे तो वहाँ 2 महीने हम लोगों पढ़ते हो गया था तैयारी करते। उन्होंने बोला कि हमसे तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। हम तो हमने कहा कैसे लगवाएंगे? तो कह रहे आपका पेपर है जो करवा देंगे। हमने कितने पढ़ा हमसे पूछा, हमने कहा फॉरेस्ट गार्ड में पढ़ा है। तो उन्होंने कहे ठीक है 5 लाख रुपये पड़ेंगे तुमको, 2 लाख एडवांस देने पड़ेंगे, बाकी 3 लाख जब पेपर हो जाने के बाद पड़ेगा। उसके बाद में है जो 10-15 दिन बाद और कोचिंग चली, 3 महीने कोचिंग चली। एक व्यक्ति हैं सुशील कुमार, जो कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के रहने वाले हैं, ग्राम मनुआ के। इन्होंने आज एक प्रार्थना पत्र दिया है कि रॉयल इंस्टीट्यूट एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके प्रबंधक रवि चौधरी हैं, इन्होंने इसके भाई सुमित कुमार से 1 लाख रुपया अग्निवीर में नौकरी दिलाने के नाम पर लिए हैं। पुलिस को आज प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है SHO कोतवाली शहर को जांच के लिए। औरैया के RTO विभाग में गाड़ियों के एंट्री का खेल सामने आया है। RTO विभाग में तैनात सिपाही का ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में दीवान जी खुलेआम मोबाइल पर 40,000 रुपये की डील की बात करते नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर एक ट्रांसपोर्टर ने बताया कि यहाँ के RTO साहिब हर महीने गाड़ियों से 5,000 रुपये तक की एंट्री लेती हैं और गाड़ी पकड़े जाने पर मोटी रकम लेकर गाड़ी छोड़ जाती है। उस दिन जिस दिन का ये ऑडियो बता रहे हैं, उस दिन हम लोगों ने तो गाड़ी पकड़ी थी और उनसे कार्रवाई करी। और मालिक जब भी गाड़ी हम लोग पकड़ते हैं तो वो लोग कोशिश करते हैं कि इसको छोड़वा दिया जाए किसी भी तरह से बातचीत करते हैं, लेकिन उस गाड़ी को हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। तो उसके बाद में उसकी वजह से हम लोग अपना जो भी है अपना शिकायत दर्ज कर रहे हैं। और इसमें जो विकास गुप्ता हैं, विकास गुप्ता भी अपनी गाड़ी को छुड़वाने की बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे और पहले भी ये कुछ इनके खिलाफ़ FIR वगैरह भी हो चुकी है। ये एंट्री क्या ये मैडम गाड़ियाँ जब पकड़ लेती फिर इनकी सौदा होती है, दीवान जी हैं वो इनकी सौदा करते हैं, इनकी आईडियो भी वायरल हुई है। उस एक दिन तो हम मौके पे थे तो एक गाड़ी हमारे मिलने वालों की थी, एक गाड़ी और थी अलीगढ़ नंबर की, तो दोनों गाड़ियाँ जो है इन्होंने इनका नाम है, एक गाड़ी सौदा हो रही थी 40,000 की, पर उन्होंने देखा दूसरी गाड़ी नहीं छूट रही तो ये वाली नहीं छोड़ेंगे, तो इस चक्कर में उन्होंने फिर दोनों गाड़ियाँ बंद कर दी। ये मेरे संज्ञान में आया है, ये एक हमारे विभाग के सिपाही की आवाज़ लग रही है और उसकी मैं जाँच करूँगा और जाँच करने के बाद तथ्यात्मक सबूत मिलने के बाद इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर में नगर कोतवाली के सौरमऊ स्थित बैंक कॉलोनी का एक परिवार अपने बच्चे को बचाने के लिए गुहार लगा रहा है। दरअसल स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी
SMA टाइप 1 नाम की गंभीर बीमारी से उसका बच्चा ग्रसित है। वहीं बच्चे के इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। मात्र कुछ महीनों में अगर ये पैसे नहीं एकत्रित हुए तो और बच्चे का इंजेक्शन नहीं लगा तो उसकी मौत हो जाएगी, जिसके चलते बच्चे के माँ बाप उसे बचाने के लिए हर तरफ गुहार लगा रहे हैं। लेकिन 3-4 महीने का जब हुआ तो हम लोगों ने देखा कि ये जो है नॉर्मल बच्चों की तरह हाथ पैर नहीं हिलाता है और सर नहीं बैलेंस कर पाता है, तो हम लोग इसको लखनऊ लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर को दिखाए, लेकिन वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या असल में बीमारी क्या है। फिर हम इसको सर गंगाराम दिल्ली लेके गए, वहाँ पे उन्होंने एक जेनेटिक टेस्ट लिखा और उस टेस्ट में निकल के आया कि इसको एक बहुत ही रेयर एक बीमारी होती है, स्पाइनो मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1। और ये इसमें क्या होता है कि बच्चा हाथ पैर नहीं हिला पाता है और सर भी नहीं बैलेंस कर पाता है, धीरे धीरे मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो है सांस भी नहीं ले पाता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बच्चे 2 साल तक जीवित रहते हैं। कन्नौज में छिबरामऊ कस्बे में बहवलपुर में प्रसव पीड़ा से करा रही गर्भवती महिला को छिबरामऊ के जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने भर्ती नहीं किया। इसके बाद वहां से निकलते ही टेम्पो में गर्भवती महिला अपने बच्चे को जन्म दे दिया। इस मामले का संज्ञान मिलते ही डिप्टी सीएम बिजेश पाठक ने कन्नौज सीएमओ को फोन कर जांच कर दोषियों को खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिया है, जिसकी सूचना डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर दी है। इसको लेके गए कन्नौज हाँ, अस्पताल। फिर क्या हुआ? उसने मना करा कि वहाँ कन्नौज रहने वाले हैं जी, छिबरा मऊ के जी, तो उन्होंने कही कि जिला अस्पताल ले जाओ जी। तो ठीक है, भैया कहना बताया गाड़ी नंबर ले लेते हैं जी, बताया है। तो उसने हाथ भी नहीं लगाया, कतई इसको कानपुर ले जाओ हाँ। छिबरा मऊ वाले सारे मरीज हमारे यहाँ भेज देते हैं। अच्छा। हम भी नहीं करेंगे, कानपुर के लिए रिपोर्ट कर दिया। कौन मिला था आपको? मैडम अति क्या कहा? कई कहना छिबरा मऊ के सब यही भेज देते, करना भर्ती नहीं किया। भर्ती कत यहाँ तो नहीं लगाया, मेरी चिल्लाई रही थी। मैडम अस्पताल में गए, उन्होंने रेफर लिख दिया कि कन्नौज जाते थे जिला अस्पताल के लिए। पहले कहाँ गए थे आप? पहले गए थे सरकारी अस्पताल में हाँ, फिर वहाँ से ट्रांसफर कर दिया सीधा जिला कन्नौज के लिए जी। फिर यहाँ पे आए तो क्या? यहाँ पे आए एम्बुलेंस में, जिसने जो कागज थे लेके गए मैम से, मैम ने उन्हें देखे तुरंत की यहाँ पे तुम क्यों लेके आए जी, है यहाँ पे लेके आए तो, और ये छेबड़ा वाले के सब मेरे पास भेज देते हैं जी। तो भर्ती नहीं, भर्ती क्या नहीं, कुछ उन्होंने की ले आओ ना, देखा उन्होंने कुछ भी नहीं, और तुरंत ही लेके आए और टेम्पो में बच्चा पैदा हुआ यहाँ तो कहीं। खबर औरैया से, जहां विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने शहर भर में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया, जिसके साथ ही उपभोक्ताओं के बिलों को भी चेक किया गया। इस मौके पर SDO और विजिलेंस टीम के अलावा लाइनमैन भी मौजूद रहे। औरैया टाउन में 10,000 के ऊपर जो बकायेदार हैं, लगभग 3,000 से ज़्यादा उपभोक्ता 10,000 के ऊपर बकायेदार हैं, उनके पीछे दिन की कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ साथ जो उपभोक्ता बिजली चोरी कर रहे हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। ये अभियान अब लगातार जारी है। आप सब में टीमें कौन कौन सी हैं? इस समय हमारे साथ औरैया की विजिलेंस टीम है एवं हमारे सारे संविदा के लोग और अभियंता, साथ में अभियान लगातार चला। औरैया पूरे शहर में 4 टीमें बनाई गई हैं जो कि बकायेदारों को विच्छेदन कर रहे हैं। अतः लोगों से मेरी यह अपील है वो अपना बिजली। अमेठी में मुसाफिर खाना क्षेत्र के चक बहेर गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की शर्मनाक करतूत सामने आई है। शिक्षक ने गुस्से में आकर कक्षा 3 के मासूम छात्र की पिटाई जूते से कर डाली, जिसकी शिकायत छात्र के परिजनों ने खंड शिक्षा अधिकारी से की। मामले को संज्ञान में लेते हुए BSA जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ये बच्चे का क्या मामला है? मारने के बच्चे का मामला, स्कूल में छुट्टी हुई थी, उसी में लड़के अपना निकल रहे थे तो कोई लड़का बच्चा गिर पड़ा, तो जिससे जो है क्या कहते हैं एक अमित मास्टर हैं वो क्रोध में आके हमारे बच्चे को जूते से मारे, और इसकी शिकायत हमने मुसाफिर खाना शिक्षा खंड अधिकारी को की है। क्या चाहते हो? कार्रवाई। अभी अभी आप ही लोग के द्वारा दूरभाष पर मुझे ये अवगत कराया गया कि ऐसी घटना घटित हुई है, चूँकि तत्काल ही अभी ये संज्ञान में आया है
तो मैं इसकी पूरी जानकारी कर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई संस्थित करूंगी और जो भी एक्शन लिए जाएंगे उसकी सूचना आपको तक चलेगी। इस घटना को 24 घंटे से ऊपर हो गया है तो खंड शिक्षा अधिकारी ने आपको सूचित नहीं किया अभी तक? नहीं, खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा मुझे संज्ञानित नहीं किया। तो किस तरह की कार्रवाई और जाँच की जाएगी? जो भी विभागीय नियमों के आलोक में होता है कि घटना सत्य है या नहीं। औरैया में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग और पुलिस विभाग ने मिलकर एक अभियान चलाया जिसको लेकर टीम के वधुना नगर में अवैध शराब बनाने वाली बस्ती आदर्श नगर में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लीटर अवैध शराब बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने शराब बनाने के लहन को भी नष्ट किया है। आदर्श नगर में जो है इसमें जो है अभियान चलाया गया है कच्ची शराब के खिलाफ। ये हमारा ऊपर से एक 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक एक आबकारी का पुलिस का संयुक्त रूप से एक अभियान चल रहा है जिसमें कि हम लोग जो है जगह जगह ये सब जो अवैध बस्तियां हैं इनमें छापेमारी कर रहे हैं। तो अवैध बस्ती जो ये कच्ची शराब की आदर्श नगर है इसमें हम लोगों ने छापा मारा है। तो इसमें एक 5 लीटर शराब मिल गई है और इसमें 300 kg लहन जो मिला है कच्चा जो ये लोग ज़मीन में गाड़े थे उसको नष्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।